हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक कुमार लाला और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा पे। जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम PGDST के कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके MST 001 जो पहला पेपर है आपका, उसका यूनिट 5 हम कर रहे थे। यूनिट 5 के पार्ट 1 को हमने कम्प्लीट किया है, जिसमें लिमिट पार्ट को देखा गया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को पहले देख लें और उसके बाद आप यहाँ आए। ठीक, तो जैसा हमारे समय करते हैं कि हम आज पूरी वीडियो में कंप्लीट क्या करने वाले, क्या कवर करने वाले, जो पार्ट लेफ्ट आउट रह गया था लास्ट वीडियो में। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी एंड फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा वहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक फंक्शन की। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा उसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहाँ वो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। और सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके लिख भी लेना, नहीं तो मैं इसको आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर हम लिखते हैं तो ये पहले लिमिट क्या है आप जानते ही हो, नहीं जानते तो फिर वैसे ही वीडियो देख लो पहले आप लिमिट का। तो उसके बाद हम जानते थे कि लिमिट जो होगा वो दो तरह से हो सकता है, कि या तो वो यहाँ से अप्रोच कर रहा है उस वैल्यू को, या इस साइड से अप्रोच कर रहा है। जब ये इस साइड से अप्रोच कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जब इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब एच ए प्लस, मतलब क्या इसका, एच तो टेंस टू ए है, बट इसका मीनिंग क्या हुआ, एच इज ग्रेटर देन ए। मतलब मान लो एच टेंस टू टू मैं बोलूँ तो 2+ का मतलब हो गया एच इज 2.00001 ऐसा, या मैं बोलूँ एच टेंस टू 2-, इसका मतलब 1.99999, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है तभी हम कहते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और हम उसी की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अगर बोला जाए तो आपको पहले चेक करना होगा कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और फिर हम लिमिट उसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसका अगर डेफिनेशन से मैं बोलूँ तो इफ एक्स एफ एक्स टेंस टू L1, ये लोअर लिमिट क्या है, मतलब या अपर लिमिट क्या है, या बोलूँ मैं राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सीधा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इफ एफ एक्स इज टेंस टू L1, वो वैल्यू जिसको एफ एक्स टेंस कर रहा है, कब, जब एक्स टेंस कर रहा है आपके ए प्लस को। एक्स जैसे ही ए के पास जा रहा है राइट हैंड के तरफ से, जब उसको उसके तरफ बढ़ रहा है, तो एफ एक्स कहाँ है, एफ एक्स है L1 पे, एफ एक्स L1 के तरफ बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक इसी के उल्टे जब आपका एच माइनस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ए के तरफ बढ़ रहा है, टेंस टू ए है बट लेस देन ए है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उसे हम उस लिमिटिंग वैल्यू को कहेंगे कि एफ एक्स जो है, यहाँ पे एफ एक्स टेंस टू L2, तो L2 जो है वो एफ का लेफ्ट हैंड लिमिट है एट इक्वल एट ए, यानी एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, या टेंस टू ए जो भी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का ये तरीका, राइट हैंड लिमिट को लिखने का ये तरीका। अच्छा, लिमिट LT से भी कहीं होगा या LIM भी लिखा होगा, एक ही है, दो तरह से यूज किया जाता है इसको। तो ये L1 या L2 इक्वल हो, या फिर इसको, इसी को मैंने पूरा लिख दिया, ये अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा सम कैसे होता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है जिसको हमको सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। तो पहला सम देखते हैं, प्रूफ दैट लिमिट एच टेंस टू 0 इज 0। पहला तो बात ये कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच इज 0, तो मॉड एच के बारे में अगर आपको पता हो तो मॉड एच जो है वो एच होता है फॉर एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एच होता है फॉर एच लेस देन इक्वल टू 0। तो ये लिमिट अगर एच टेंस टू 0 है, तो मैं अगर बोल दूँ ये 0+ है तो ये क्या हो जाएगा, 0+ है तो ये एक्स हो जाएगा। यानी अब फिर मैं अगर इस पर 0 जैसे हम पुट करते थे, 0 रह जाएगा, और लिमिट एच टेंस टू 0- अगर मैं बोल दूँ तो ये मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस 0 भी तो 0 ही है। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो है मॉड एक्स लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0।
लेकिन इस पे अगर आते हैं, बट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स का डेफिनेशन आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, नॉट इक्वल टू नहीं आता है यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता भाई। तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और मॉड एक्स क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, आप माइनस दो तो माइनस वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव दो तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब मॉड ऑफ माइनस फाइव वी फाइव और मॉड ऑफ फाइव वी वी फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू है माइनस साइन दे दें तो वो भी नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स बाई एक्स। तो करते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस तो मॉड एक्स हो गया मेरा एक्स बाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया वन, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, तो मॉड एक्स क्या होगा, जीरो माइनस जीरो से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो ये माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मॉड एक्स बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस मॉड एक्स बाई एक्स। अब पहले माइनस और बात को बाद में भी प्लस वाले को देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ये इक्वल तो हुआ नहीं, होता इक्वल होता तो बोलते, जैसे ये दोनों इक्वल था तो लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बस। अब जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, कहीं कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा एमसीक्यू टाइप में कि ऐसा दे के बोलेगा फाइंड, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको बोल दिया जाएगा कि फाइंड द लिमिट, और दो तीन ऑप्शन देके वन माइनस वन बोथ वन एंड माइनस वन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ऑप्शन डी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप डिटरमाइंड कहाँ से करोगे, ठीक है। अब ये जब फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो, पीस वाइज डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा के लिए एक रेंज के लिए जब डिफाइंड किया हुआ रहता है तो हम बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड किया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन और इक्वल टू टू, एंड इट इज फोर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स, बट यहाँ पे क्या है, इफ इट एग्जिस्ट, तो पहले तो चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, एग्जिस्ट करता है तो निकालेंगे, तो देखते हैं। और किस पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ से क्या देख के मिल रहा है हमको, टू, ठीक है, टू पे चेक करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, टू प्लस एफ एक्स में लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस ये वैल्यू है क्योंकि ये ग्रेटर देन टू है, फोर माइनस एक्स एंड फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, एंड लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इज लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, ये माइनस बार बार लिखने में मैं वन लिख देता हूँ एक्स, सो दिस इज टू, तो ये दोनों सेम भी है और यही है हमारा, और जो दो सेम आते हैं वही हमारे हमारा लिमिट का वैल्यू भी होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, सो लिमिट डज एग्जिस्ट और यही हो जाएगा हमारा लिमिट का वैल्यू भी, ठीक है।
क्लियर, आपका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद इसी काम को थोड़ा हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यूटी पे आते हैं। बस लिमिट जहाँ पे आपने एग्जिस्ट करवाया था ना, वहीं अगर फंक्शन का इक्वल टू वैल्यू भी आ जाता है, मतलब f ऑफ 5 भी वहीं है जहाँ x लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और x टेंस टू 5 प्लस है। अच्छा, ये 5 माइनस और 5 प्लस, प्लस 5 और माइनस 5 नहीं है, ये एकदम से दिमाग में रखना। 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू, 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, बस। तो x टेंस टू 5 प्लस में भी जब आपका जो लिमिट वैल्यू है, 5 माइनस में भी जो लिमिट वैल्यू है, और जो आपका f5 का वैल्यू है, ये तीनों अगर सेम हो जाता है तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस है। तो किसी का अगर लिमिट एग्जिस्ट करे ही नहीं, कोई लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो भूल जाओ कि इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके बाद वाला स्टेप होना ही नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शन डिफाइंड ना हो, उसके डोमेन पे ना हो, पिछले बार फंक्शन के वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, जरूरत हो उसको देख लो आप। सो लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एंड ए बी अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब वो एक्स इक्वल टू ए जिसके लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, वहाँ सबसे पहली बात है फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन डोमेन में होना चाहिए। जैसे आप 1/x-5 के लिए अगर चेक करते हो कहीं पे, 1-x/5 के लिए अगर चेक करते हो, तो आप तो देखो ये x-5 एक्स इक्वल टू 5 डोमेन में है ही नहीं, तो एक्स इक्वल टू 5 के लिए, एक्स इक्वल टू 5 के लिए तो कभी ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ये a जो है उसके डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि डोमेन लिखते ही टाइम हम लिख देते हैं ये रियल नंबर से अलग है। तो ऐसे भी बता सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, और इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो आगे और देखेंगे। तो देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट a, एट a मतलब वही x इक्वल टू a, इफ लिमिट दिस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना मतलब वो प्लस और माइनस सेम, a प्लस और a माइनस सेम, एग्जिस्ट एंड दिस, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए, एक्चुअली यहां पे होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है, यहां थोड़ा छूट गया है, लिमिट एच टेंस टू एफ एक्स, एच टेंस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, स्मॉल थोड़ा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एफ एक्स है, तो मतलब वही चीज हो गया जो तीनों को बराबर करके यहां मैंने लिख दी भी दिया, अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा रहे हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज, ये पहला क्वेश्चन देते हैं हम कंटिन्यूटी पे। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज, पीस वाइज डिफाइंड है, सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो आप यहाँ अलग से ये वैल्यूज दिया हुआ है, सो लिमिट, पहले तो लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी 5 + 3x, ये जो है ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 5 + 3 × 0, दैट इज 5, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, अब ये वाला लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 5 - 3x, सो 5 - 3 × 0, दैट इज 5, और आपका जो ये इक्वल टू इसी में था, इक्वल टू यहीं पे दिया हुआ है, यानी यही लेस देन के लिए भी है और x इक्वल टू 0 के लिए भी है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ 0, दैट इज 5, तो ये कंटिन्यूअस है। अब एक चीज और दिमाग में बैठा रहे ना, ये यहाँ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है।
कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, ये x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जगह पे कंटिन्यूअस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शन होंगे वो किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। यही फंक्शन जैसे 1/x-5, तो ये x इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारा चीज़ के लिए कंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होता है कोई भी फंक्शन, हर पॉइंट के लिए हम ऐसा नहीं बोल देते हैं। हाँ, अगर उसका लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो वो अलग बात है, अगर वो कहीं भी डिफाइंड ना हो अलग बात है, लेकिन अगर वो कहीं भी डिफाइंड होता है, उसका वो डोमेन है, तो उस जगह पे वो कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। लेकिन अगर हम किसी को एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। किसी को अगर हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं तो वो हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है। अब ग्राफ से भी देख के आप फंक्शन को समझ सकते हो, जिस भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़े वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, और जिस पॉइंट पे आपको उठाना पड़ा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और जिस ग्राफ को आप बिना पेन उठाए बना सकते हो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, वहां तक वो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, जहां जहां तक आपका वो है, वहां जहां जहां आपने ग्राफ बना लिया पूरा बिना पेन उठाए वो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। हाँ, जबरदस्ती उठाना पड़े वो अलग बात है। ठीक है, आप नहीं ड्रॉ कर सकते पूरा ऐसा, तो आप ऐसे उठा उठा के यहाँ से बना रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड है कि वो यहाँ है और यहाँ है, ऐसा x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, तो पेन आपको उठाना ही पड़ेगा। ये हो गया डिसकंटिन्यूअस और ये हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऐसे भी टाइप के फंक्शन होते हैं। इतना डिटेल इसके बाद आपका जरूरी है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कि फंक्शन है जो एफ एक्स है, इसको दो जगह पे चेक किया जाएगा। सो इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, एफ एक्स का वैल्यू 1/2-x है व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1/2, और 1/2 है व्हेन इट इज 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, और जब जैसे ही ये इससे ज़्यादा हुआ ये यहाँ आ गया। अब इसको आप बड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1/2, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, पहले माइनस देख लेते हैं, सीख रहे हैं, पहले माइनस देख लेते हैं। सो एफ एक्स माइनस मतलब हाफ से थोड़ा छोटा वो यहाँ आ जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 1/2-। आपको बहुत सारी किताबों में वो एच लेके भी बनाया हुआ होगा, वो एच बहुत छोटा वैल्यू होता है ऐसा बोला जाता है, जरूरी नहीं है उसको यूज करना, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और लिमिट एच टेंस टू 1/2- अगर है, ठीक है, और मैंने पहला ये लिमिट लेना है अपने को, तो 1/2-x, और अब हम लोग x का वैल्यू 1/2 पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू कितना बैठा लेंगे, 1/2, सो 1/2-1/2, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होते ही हम देख रहे हैं कि f ऑफ 1/2 तो कुछ और ही दिया हुआ है, f ऑफ 1/2 तो दिया हुआ है 0, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही इसको नहीं फॉलो कर पाया, राइट हैंड के बारे में चेक करने वाला कोई बात ही नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 1/2 प्लस वो जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, 3/2-1/2, यानी कि 3/2-1/2, दैट इज 1। तो ये इक्वल हुए ही नहीं, ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर कंटिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब देखो मैं चेक करता हूँ एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए 1 से छोटा इधर और 1 इधर, ठीक है, और 1 से बड़े के लिए आपको बोला ही नहीं गया कुछ। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो आप यहाँ आ जाते हो, सो 3/2-x, दैट इज 3/2, मतलब यहाँ पे भी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, सो यहाँ पे आपका ये लिमिटिंग वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/2,
और जब मैं वन लेता हूँ, यहाँ भी आप देखो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो ये हाफ और वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, वन से छोटा। यहाँ ये वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे को, 3/2 - 1, दैट इज हाफ, ठीक है। और जब यहीं मैं वन के लिए चेक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू वन है, यानी यहाँ भी मेरा लिमिट कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट हाफ एंड वन। इसका मतलब ये नहीं, फिर मत समझना, इसका मतलब ये नहीं कि अदर में हो नहीं सकता, हो सकता है किसी और पॉइंट पे वो हो भी जाए, यहाँ नहीं है। यहाँ हमें इतनी की ही डेफिनेशन दी गई है, जीरो से लेके वन तक ही। एक्स इसके बाद क्या है और इसके पहले क्या है, हमें इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, तो हम अदर पे कमेंट नहीं कर सकते। जिसके बारे में जानकारी ना हो उस पे कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ अगर मान लो आपको बोला जाए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, हाफ वन, बोथ हाफ एंड वन, और नन, दैट इज बोथ हाफ एंड वन। अब आपसे अगर बोला जाए कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो आप जो फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन में आपका यहाँ पे ये 2x² + 6x - 5 और ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, तो बात की बात, लिमिट कुछ है नहीं। तो पहला डिसकंटिन्यूटी अगर यहाँ पे चेक करना है तो आप देखो ना ये कहाँ डिफाइंड नहीं है, जहाँ ये डिफाइंड नहीं होगा वहाँ कंटिन्यूटी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो देख लेते हैं कहाँ डिफाइंड नहीं होता, डोमेन पढ़ रखे हम, तो डिफाइंड नहीं होता जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है अपना, अपना जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए। तो कर देते हैं डिनोमिनेटर को जीरो, 12x² + x - 20 = 0। अब ये 12 और 20 है मिड इंटर्म फैक्टराइजेशन, 12x² - 20। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें माइनस ही देना है, और अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 और 12 का प्रोडक्ट हो बट उसका डिफरेंस 1 हो। तो हम इसे फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, 2 2 5 फॉर 20 एंड 2 2 3। अब यहाँ से ढूंढ लेते हैं 15 and 16। सो 12x² + 16x - 15x - 20 = 0। 12x² यहाँ से हम 4x कॉमन लेते हैं, 3x + 4 - 5 कॉमन लेते हैं, 3x + 4। सो 4x - 5 and 3x + 4 = 0। ये हम डिसकंटिन्यूटी के लिए, नहीं तो अगर डोमेन चेक करते तो यही हम लिखते नॉट इक्वल टू जीरो, बट हम तो चेक ही कर रहे हैं कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। सो फॉर डिसकंटिन्यूटी दिस इक्वल टू जीरो, और ये इसके बाद 4x - 5 = 0, इधर दिस, और दिस। तो ये हो गए हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड द डिसकंटिन्यूटी मतलब वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने को बोला गया है, ठीक है। ये दोनों हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं कि इस टाइप के सम पे, ठीक है, कि एक फंक्शन डिफाइंड है, बोल दिया ये कंटिन्यूअस है, और ए और बी में रिलेशन निकालो। तो देखो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे इक्वल टू, तो ये इक्वल टू वाला चीज़ तो यहीं पे आ गया, तो ले लेते हैं ना लिमिट एच टेंस टू 3 + fx इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 3 - fx, ये इक्वल ही होना है एफ थ्री के, एफ थ्री तो इधर से ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, पहला वाला तो ए एच प्लस वन लिमिट एच टेंस टू 3 + इज इक्वल टू, यहाँ ये ए एच प्लस वन मैंने लिख दिया, ये तो 3 - के लिए, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, और लिमिट एच टेंस टू 3 + ये एफ एक्स हो गया 3 + मतलब 3 से ज़्यादा के, ये 3 से कम के लिए था इसलिए 3 - लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू भी आ गया, कंटिन्यूटी है। और यहाँ पे मेरा बी एच प्लस 3,
सो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू बैठा हूँ तो a इंटू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू b इंटू थ्री प्लस थ्री, दैट इज थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री. सो थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू थ्री माइनस वन. सो a माइनस बी इज इक्वल टू टू और a माइनस बी इज इक्वल टू टू बाई थ्री. यहाँ तक आपका कंटिन्यूटी पे और भी सम हो सकते हैं. आपको कहीं अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है. इसके बाद हम यूनिट सिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम डिफरेंशिएशन पे जाएंगे. तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएशन, फिर मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद इंटीग्रेशन और फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है. ये पार्ट हम देखने वाले हैं. उसके बाद हम आएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे लास्टली, और वहीं से फिर हम प्रोबेबिलिटी यानी नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे, ठीक है. इस वीडियो में अभी तक इतना ही. वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में वो जो बेल आइकन है दबा दो. थैंक यू.